आइए ना हमारा बिहार में, अच्छा लगता है ना। क्योंकि हम इसलिए बोले हैं आपको कि बिहार सरकार इतनी ज़्यादा वैकेंसी दे रही है कि जो बिहार में जो विद्यार्थी हैं, जो तैयारी कर रहे हैं और लगता है कि उनको नौकरी की ज़्यादा ज़रूरत है ना, और ऐसा लगता है कि वो बहुत ज़्यादा बेरोज़गार है, तो अब बेरोज़गारी का जो तमगा जो लगा हुआ है वो दूर होने वाला है, क्योंकि बिहार सरकार उन लोगों के लिए बहुत बेहतर कदम उठा रही है। जैसे अगर हम लोग अभी बात करें तो नीतीश कुमार ने अभी 1,22,000 पुलिसकर्मियों की भर्ती जल्द होगी, उन्होंने ये अनाउंसमेंट किया। 1,22,000, ये बहुत बड़ा पद होता है। और इस बार आप देख रहे हैं बिहार सरकार इसमें बहुत ज़्यादा काम कर रही है सरकारी नौकरियों को लेकर के। अगर हम लोग बीपीएससी की बात करें तो बिहार सरकार ने ये कहा कि लगभग 2,000 से कहीं ज़्यादा सीटें दिया जाएगा 70 बीपीएससी के लिए। दारोगा के लिए 2,200 से अधिक सीटें आने की संभावना है। और बिहार पुलिसकर्मियों के लिए आप देख ही रहे हैं, पूरे भारत में सबसे ज़्यादा महिला पुलिस में जो काम करती है वो राज्य बिहार ही है। जो बिहार सरकार ने 35% आरक्षण दे करके उनको सशक्त बनाया, उनको बहुत आगे बढ़ाया, महिलाओं को बहुत आगे बढ़ाया। तो जो विद्यार्थी चाहता है कि हमको बिहार पुलिस में बिहार दरोगा कंप्लीट करना है, उनके लिए एक अच्छा अवसर है। अच्छा अवसर कहें तो बहुत जल्दी ही ये प्रक्रिया प्रारंभ होने वाली है। जब सरकार अनाउंसमेंट कर दिया तो आपको अभी से तैयार हो जाना चाहिए। इसलिए हम आपको बता रहे हैं क्योंकि नेक्स्ट ईयर में विधानसभा का चुनाव होने जा रहा है। तो सबसे पहले ये जो सरकारी नौकरी का जो बहार हमें बिहार में देखने को मिल रहा है, ये उसी का असर है, उसी का ये प्रभाव है। हो सकता है विधानसभा के चुनाव होने के बाद इतना अच्छा खासा आपको ना दिखे, लेकिन तैयारी आप कर रहे हैं तो आपके लिए बनता है कि कम से कम एक सीट लीजिए। और सीट को मतलब लेने के लिए आपको बड़ा मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर बहुत ऐसे विद्यार्थी हैं जिनकी संख्या बहुत ज़्यादा हो जाती है। जैसे देख सकते हैं आप, लगभग 2,000 सीटें बीपीएससी दे रही है और लगभग 8 से 10 लाख लोग अप्लाई करेंगे। बिहार ही नहीं बल्कि बिहार के अलग राज्य के लोग भी इसमें मतलब इंटरेस्टेड है। तो उसी तरीके से हम लोग देखिए बात करते हैं, कह रहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि बिहार में पुलिसकर्मियों के खाली पद जो हैं 1,22,703 पदों पर बहाली जल्द होगी। उनका कहना है कि इससे अपराध जो है को लगाम लगाने में सहूलियत मिलेगा, बहुत कारगर सिद्ध होगा। और यहाँ पे देखिए कहा जा रहा है कि 2013 में पुलिस में महिलाओं के लिए 35% आरक्षण का प्रावधान किया गया था, और अभी बिहार में महिलाओं की संख्या लगभग 30,000 है और यह देश में अव्वल पे है, मतलब पहला स्थान रखता है बिहार। 35% आरक्षण का फायदा भी महिलाओं को मिलता है। तो यहाँ पे बिहार दरोगा की तैयारी करने वाले और बिहार पुलिस की तैयारी करने वाले जो विद्यार्थी हैं उनके लिए बहुत ही सुनहला अवसर हो जाता है। आप हमारे एप्लीकेशन में और आप हमारे यूट्यूब चैनल पे जाएंगे तो एकदम फ्री में क्लास चल रहा है, जीएस का क्लास चल रहा है, मैथ रिनी सब कुछ उसमें मिलेगा, एकदम फ्री मिलेगा, सब कुछ एकदम फ्री मिलेगा, वो भी एक अच्छे एकदम गुणवत्ता के साथ मिलेगा, जो होना चाहिए, जो आपके तैयारी में सबसे ज़्यादा मदद पहुँचाए। तो आप अभी हमारे YouTube चैनल पे GS की सारी क्लास से स्टार्ट हो गई है, दारोगा के लिए भी चल रहा है, BPSC शिक्षक भर्ती 4.0 के लिए भी चल रहा है, बहुत सारा MCQ भी आपको देखने को मिलेगा, अभी साइंस का बैच भी स्टार्ट हो गया है। तो चलिए आप लोग एप्लीकेशन में भी जा सकते हैं, एप्लीकेशन में जाइए, एप्लीकेशन में आपको PTF GS Academy मिलेगा और वहाँ पे भी आपको बहुत सारा चीज़ें देखने को मिलेगा। तो चलिए हम लोग इसके लिए तैयार हो जाइए, अभी से तैयार हो जाइए, इसका इंतज़ार मत करिए कि वैकेंसी जब आएगी उसके बाद हम तैयारी करेंगे तो फिर आप बहुत मुश्किल में पड़ जाएंगे। क्योंकि जो लोग सीरियस है, जो लोग बहुत सीरियस है, उन लोगों का तैयारी बहुत अच्छा से चल रहा है। अगर आप अभी पता चला, अगर आप अभी आप जगे तो इसका मतलब ये है कि अभी से आप तैयारी करना शुरू कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच आप सब लोगों।